छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। अरे बेगम, वो अपनी स्वीटी के लिए आज के अखबार में घर दामाद दरकार का इश्तहार लगवाया था, बस वही देख रहा था। ठीक है, मगर इसके लिए तुम्हें अखबार भी तो पढ़ना आना चाहिए। अरे बेगम, जिंदगी भर इतना गिरा पड़ा हूँ कि अब थोड़ा अखबार पढ़ लेता हूँ। अच्छा बस ज्यादा बातें मत बनाओ, दिखाओ मुझे अखबार, दिखाओ मैं देखूं। पता नहीं तुमने ये इश्तहार दिया अभी के है कि नहीं दिया। अरे बेगम, मैंने देख लिया, नहीं मिला। आप भी तसल्ली कर लीजिए। टिपाई देता है अब आपको। चुप करो लड्डू। हेलो जी, आप अफ़ा स्पेशल से बात कर रहे? हाँ जी, अखबार। हाँ जी, हमने वो इश्तिहार दिया था अपनी बेटी के लिए, रिश्ते के लिए। हाँ जी, मैं हनी बात कर रही हूँ। अब हेलो, अरे हेलो सुन। अरे क्या हुआ बेगम? अरे जो चीजें हमें घर दामाद के रिश्ते के लिए दरकार थी, वो इश्तिहार वाला है ना, प्रिंटिंग वाला, वो समझा हमें घर दामाद की नहीं बल्कि नौकर की जरूरत है, इसलिए उसने हमारा इश्तिहार जरूरत रिश्ते के बजाय जरूरत नौकर के कॉलम में लगा दी। अच्छा, ऐसा हुआ? ओहो, अब क्या होगा? हमारी ज्वेटी का क्या होगा? बेटा बेटा उठ जा, वरना छिपे वाले उठा के ले जाएंगे। पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा खासा मैं ख्वाब देखी थी, उसमें मैंने अपने लड़का ही पसंद कर दिया था और आपने मुझे उठा दिया। उठ जा बेटा, आज तो वैसे भी बहुत सारे नौकर आने वाले हैं, अब मेरा मतलब है कि लड़के आने वाले हैं, जल्दी से तैयार होके आ जा। लेकिन मुझे भूख लगी है, आप मेरे नाश्ता लाएं। मेरा ख्याल है बेटा, थोड़ी देर और इंतजार कर लो, शाम की चाय के साथ ही नाश्ता कर लेना। पापा आप मुझे तंग नहीं करें। अच्छा, और वैसे ही मैं सोचो के बहुत थक चुकी हूँ और मुझे भूख लगी है, आप मेरे नाश्ता लाएं वरना मैं मम्मा को बताऊंगी। अपनी मम्मा को कुछ मैं बताना, मैं करता हूँ ना बेटा, परेशान क्यों होती है? अरे वाह, घर तो बहुत आलीशान है। अरे कोई है? कोई है? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, इससे अच्छा अगर नौकरी के लिए कोई है ही नहीं जहाँ पे, कोई भी ना। अंदर जाके देखता हूँ है क्या। अरे वाह भाई, तो बड़ा कमाल बनाया है तूने। अरे किचन भी है यहाँ पे, तो काम करता हूँ मालिक के लिए ना, मालिक की चाय बनाता हूँ, काम पे भी रख लेगा और तनख्वाह भी उड़ा देगा अपनी तो। चलो। अरे पानी कहाँ है, गरम पानी? अरे अब मालिक पहले हाथ की चाय पी के मुझे नौकरी पे रख देगा। हाँ। अरे कौन हो मियाँ, है हमारे खानदानी कब चोरी करके भाग रहे हो? मैं यही तो सोच लिया था, घर इतना खूबसूरत है, मालिक कितना खूबसूरत होगा, ये ले मेरे हाथों की स्पेशल कड़क चाय। अरे अरे, मगर इस घर के मालकिन तो मैं हूँ। मैं कापिता ला मालकिन जी, आपके लिए अपने कवारे हाथों से कड़क केक की चाय बनाई है मैंने, लीजिए। मगर तुम हो कौन और हमारे घर में कैसे घुस के आ गए? हाँ, अरे ये क्या कह दिया आपने, अखबार में खुद ही तो ऐड दिया था वो जरूरत है नौकर वाला। अरे वो, अरे वो तो, अरे नहीं 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 नहीं, बेगम क्या कर रही हैं आप? मियां दो मिनट यहीं रुको, हम आते हैं, रख दो ये। अरे चाहे तो चुप खड़े रहो। आइए बेगम, आप मेरे साथ इधर आइए। हिलना मत। आ रहे, हाँ आइए बेगम। अरे बेगम,
उसे सब कुछ सच सच बताने की क्या जरूरत है? तो फिर क्या करें? हम फर्दे जुर्म आए धोने का इंतजार करें क्या? अरे नहीं, बात को समझने की कोशिश करें बेगम। अभी वो सारे काम नौकर की नौकरी समझ के कर रहा है और इसी बहाने हमें ये जांचने का मौका मिल जाएगा कि वो काम काज में अच्छा है या नहीं है। हाँ, अगर हमने अभी उसको बता दिया तो वो तो भागे जाएगा। भागेगा या नहीं भागेगा, मगर जो काम वो कर रहा है वो काम काम नहीं रहेगा, दिखावा बन जाएगा। हाँ हाँ लड्डू, तुम बोल तो ना बिल्कुल सही रहे हो। चलो एक काम करते हैं, हम लोग दोनों चल के उससे बात करते हैं। अरे हाँ चलिए, चल के बात करते हैं। आ जाइए, चलिए चलिए, आइए बेगम। अरे बेगम आइए पहले आप, चलिए। हफ्ते वाले दिन को पाकिस्तानी डिश और संडे वाले दिन अरेबिक। अरे आप टेंशन ही ना लो, देखो ऐसे से बना लूंगा, कुछ भी बोलो बस ऑर्डर लगाओ। और बात सुनो लड़के, हर दो दिन के बाद कपड़े भी धोने होंगे। हाँ लड्डू, अगर सारे काम ये करेगा तो फिर तुम क्या करोगे? बेगम इतने अरसे बाद मुझे आराम करने का मौका मिला है, आप वो भी मुझसे छीन लेंगी? हरगिज नहीं, जाओ जाके काम पे लग जाओ। और सुनो लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? अरे मेरा नाम चिंगेज है। वैसे सारे प्यार से दोस्तों मुझे चिंटू बुलाते हैं। कितना प्यारा नाम है चिंटू। अरे प्यारा नाम तो आपका भी है, स्वीट डिश। स्वीट डिश नहीं, स्वीटी। अरे हाँ, मेरा कहने का मतलब वही था, बस थोड़ा इधर उधर हो गया था और क्या। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? बेगम क्या बस घर में सोचने पर भी पाबंदी आयद हो गई? हाँ मामा, आप चिंटू को नौकरी पे रखें, वो सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। मैंने इसका पूरा इंटरव्यू भी ले लिया है। अच्छा ठीक है, सुनो तुम्हारी नौकरी पक्की, अब जाओ जाके किचन संभालो। नवाजिश। और लड्डू चलो उठो, जाओ जाके कपड़े धो, कल से सारे कपड़े वैसे ही पड़े हुए। और पापा चिंटू को बोल के मेरे लिए चाउमीन बनवा देना प्लीज। थैंक यू। बनवा देना। भाई कोई मेरी बात ही नहीं सुनता है। क्या दौर आ गया है, माजी ने एक बार फिर अपने आप को दोहराया। अब मैं समझ गया सुसर जी, आप दीवारों से किससे बातें किया करते थे? या तो वाकई इस घर के सुसर मरने के बाद भी इस घर की जान नहीं छोड़ते, या फिर इंसान की बुढ़ापे तक ऐसी हालत हो जाती है कि वो खुद ब खुद दरों दीवार और तस्वीरों से बातें करने लगता है ना? अबे इतने लंबे लंबे फलसफे ना हाँक, एक बात का ख्याल रखना, ये जो मेरे बराबर में टंगे हुए हैं ना, चीटर थे चीटर, और मैं इनसे बड़ा चीटर था और तू हम सबसे बड़ा चीटर था। अब ऐसा ना हो कि जो तेरा दामाद चिंटू कैंडी है ना, ये हम सबसे बड़ा चीटर हो। अरे नहीं सुसर जी, मैं अपनी बेटी की शादी किसी चीटर से नहीं होने दूंगा। हाँ ना 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 ना, एक बात ध्यान में रखना, ये जो शरीफ इंसान होते हैं ना, ये ज्यादा अरसा घर दामाद नहीं रह सकते, ये चीटर ही होते हैं जो इतना लंबा पैदागिरी में गुजार देते हैं। कह तो आप ठीक रहे। कहता तो मैं हमेशा से ठीक था, लेकिन तू अब जाकर भाले को लकल पा। चल अपना काम कर, चल काम से लग जा भाई। हाँ, ओ कपड़े धोने थे। अबे तेरा क्या मसला है? मुझे इस घर के मालिक से मिलना है। अबे क्या हो गया, मालिक जल्दी आ रहा, मालिक से पूछ रहा है, मालिक तुम मिला दो, नौकर लग रहे हो क्या तुझे? क्यों क्या मतलब? बात सुन, चुप करके निकल ले यहाँ से पतली गली से। माफ कीजिएगा लेकिन आप तो बहुत जवान है। ये देख मेरे अब्बा की फोटो, ये दादा की फोटो, दोनों करोड़पति बिजनेसमैन थे, इनका तो बचपन में इंतकाल हो गया। क्यों क्या मतलब, वो बचपन में अब्बा बन गए थे? बचपन में, मेरे बचपन में इंतकाल हुआ था, क्या हो गया तुझे? समझे, नौकर वोकर कोई नहीं चाहिए हमें। अरे पुराना इश्तिहार है ये, वो सुस चैनल वालों की तरह ना, इन्होंने भी लेट छाया किया इसको। चल निकल ले अब। अबे अब बोल क्या मसला है तेरा?
मुझे इश्तेहार देखा था अखबार में। हाँ बस ठीक है ठीक है। तो कहाँ है मालिक, बुलाओ ना उन्हें। अबे क्या हो गया, मालिक नजर नहीं आ रहा, चल निकल ले अभी यहाँ से। मैं मालिक से मिले बगैर तो जाऊंगा नहीं। अबे क्या हो गया, अब सारी स्टोरी तुझे दोबारा से बताऊं मैं, चल निकल ले यहाँ से। कहाँ निकल, कहाँ निकल। बेगम प्यार से बात कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो घर आया घर दामाद हाथों से निकल जाए। ये तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये तो हमारा खानदानी काम है। मुझसे अच्छा कौन जानता है बेगम। लड्डू मैं ना चिंटू को बुलाती हूँ। चिंटू कैंडी आ। चिंटू जी बेगम साहब मैं आया। आओ ना जल्दी बेटा। जी बेगम साहब आपने याद किया। अरे बेटा तुम मुझे मैडम नहीं बल्कि तुम मुझे मम्मी जी बोलो, मम्मी जी। मम्मी क्यों क्यों। हाँ यहाँ ऐसी होता है बेटा, यहाँ ऐसी होता है। अच्छा बेटा तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। अरे क्यों, सब खैरियत तो है ना। अरे हम उनसे मिलना चाहते हैं। अरे हाँ उसके लिए एक काम कीजिएगा, मुझे शाम को याद दिलाइएगा, आपकी चाय में ना जहर डाल दूंगा। है क्या बदतमीजी है ये। अरे बदतमीजी कहाँ से आ गई, ऊपर है वो, उनसे मिलना तो ऊपर जाना पड़ेगा आपको। मुझे बहुत अफसोस हुआ। क्यों बेगम आप जानती थी उनको। नहीं तो? तो फिर आपको अफसोस क्यों हुआ। सब छोड़ो ये बताओ तुम्हारा कोई बड़ा है। अरे आज के बाद ना आप ही मेरे बड़े, वैसे मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ, मेरे छोटे 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 12 बहन भाई है, आप कहें तो मैं उनको भी यहाँ शिफ्ट कर लूँ अपने साथ। बस बस अब रहने दो। ये तो मुझे बहुत ही बड़ा चिट्टर लग रहा है। मैडम जी वो मैं आपसे एक बात पूछूं। हाँ पूछो। वो ना मेरी तनख्वाह कितनी होगी। अरे बेटा तनख्वाह की क्या जरूरत है, देखो तुम्हारा तो ये पूरा घर है, सब कुछ तुम्हारा है। हैं मतलब ये घर सब कुछ ये एक नौकर का। अरे बेटा तुम्हें ना ऐसे समझ नहीं आएगा, एक काम करती हूँ मैं तुम्हें समझाती हूँ, इधर आओ। हाँ बेटा तो फिर तुम्हें कबूल है ना। अरे हाँ मुझे ये बंगला ये जायदाद ये गाड़ी सब कबूल है। हैं 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 हैं। मेरा मतलब ये है कि आपकी बेटी कबूल है मुझे। फंस गया मुर्गा फंस गया। मुबारक हो बेगम नया घर दामाद मिल गया। अभी अगर मामा होते पापा होते कितना खुश होते ना वो लोग। हाँ बहुत ही खुश होते, एक और गुलाम आ गया। देख लो भाई शादी की पहली रात नूडल्स बनाने की फरमाइश कर दी, इतनी बड़ी ज्यादती। चिंटू बेटा मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे लिए चाय लेकर आओ। लो भैया इनके लिए चाय बनाओ। अबे सुहाग रात वाले दिन मैं मतलब किचन में खड़ो के काम करता रहूं तो स्वीटी के पास कौन जाएगा। चिंटू मेरे बच्चे जब तू नूडल्स और चाय बना के फारिग हो जाए ना तो अपने ससुर के लिए शीर खोरमा बना देना मेरे लाल। शीर खोरमा बना दो, शीर खोरमा के बच्चा घर दामाद कहीं के। तू देख तेरे शीर खोरमे में ना मैं चीनी के बजाय जहर मिलाऊंगा। अरे मेरा दामाद शीर खोरमा और चाय बना के लाए। चिंटू बच्चा लीजिए बेगम। कैसी है? बहुत आला भाई, शीर खोरमा भी शक्ल से बड़ा वधिया लग रहा है। बहुत अच्छा। जहर 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 लड्डू जहर 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 लड्डू लड्डू। तुम होश में तो हो, तुमने मुझे जहर बोला। मैंने मामा के जूली पहने, इतनी अच्छी लग रही हूँ, बिल्कुल मामा जैसी लग रही हूँ और तुम हो क्या मुझे जहर बोल रहे हो। बच गए बच गए। खाफ्ता खाफ्ता बच गए। कौन सा ख्वाब, कैसा ख्वाब लड्डू, होश में तो तुम।
कुछ नहीं। अच्छा अच्छा छोड़ ये सब कि देखो मैंने ये मामा के जेवर पहने, मैं कैसी लग रही हूँ? लग रही हूँ ना मामा जैसी? लग रही हूँ। और हाँ लड्डू, मैंने एक बात सोच लिया है, अगर मेरी बेटी हुई तो देखना मैं उसके लिए घर दमाद रखूंगी अच्छा सा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? क्यों इनको देखते ही दिल खो गया तुम्हारा? शादी होगी बड़ी धूमधाम से। शादी क्या? अरे मामू ना कफन पहनने की उम्र में शेरवानी पहनना चाह रहे हैं। 24 घंटे के बाद मेरा क्या होगा? अय्याशियां होंगी तुम्हारी। 30 घंटे के मेहमान हैं आप, इसके बाद ऊपर जाकर एंजॉय करो। जल्दी आ जा भैया, लाश की फरमाइशें बहुत हो गई हैं। यह है खान सामा, इसने जिंदगी भर स्वयं और 40वां ही पकाया। एक दिन बाद तो बनाना है। बस कर दे, बस कर दे, लड़की पिघल जाएगी। ऐसा तंबू लगाना है कि ये पता ना चले कि ये गम का तंबू है या खुशी का तंबू है। अभी दुल्हन को कहाँ लेके गया? अरे तैयार करने गया है भाई। ये तैयार करेगा? जब तक मैं उसे बेवकूफ कैसे बनाऊंगी? मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद।